सो हेलो एवरीवन एंड आज मैं जाने वाला हूँ फेंटन भाई के इवेंट में। यस, वो ये जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है उनके इवेंट में। सो लेट्स बिगिन। और यहाँ पे हम लोग पहले राउंड के लिए रेडी हो गए हैं और यहाँ पे दरवाजा खुलने वाला है। आई थिंक ये खुल गया अभी। और देयर वी गो गाइस, और हमें पहले राउंड में जो है यहाँ पे टिकट्स ढूंढनी है कुछ, तो जिन्होंने टिकट्स ढूंढ ली वो यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से बहुत सारी टिकट ढूंढता हूँ और देखते हैं। यहाँ पे हम एक से ज़्यादा अगर टिकट ले लेंगे ना तो फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर हम कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मेरे को मिली नहीं थी, तो मैंने सोचा लावा वाला पार्कौर करूँ। और यहाँ से ही देयर वी गो गाइस, मेरे को टिकट मिल चुकी है। मैंने ये वाला जो है राउंड पास कर लिया है। हमें चैट में भी लिख दिया गॉट इट। और यहाँ पे और टिकट देखते हैं यार, किसी के और मार लूँगा टिकट। देयर वी गो गाइस, हमने तो मिल गई टिकट। ओके गाइस, तो यहाँ पे सबको टिकट मिल गई थी, तो सारे लोग जो है नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। और यहाँ पे हमें रैंडम बटन दबाने हैं। तो यहाँ पे हमारे फेंटन भाई ने एक बंदे को जो है सिलेक्ट कर दिया और देखते हैं अब ये कौन सा बटन दबाता है। और ओके, ये गोल्ड वाला बटन दबा रहा था। नहीं नहीं, देखो गोल्ड वाला डेफिनेटली ट्रैप होएगा। नहीं देख, गोल्ड वाला नहीं दबाना। देख, रहने दे, गोल्ड वाला मत दबा दियो, मरेगा ये, मरने वाला है यार। ओके, मैंने बताया था गोल्ड वाला नहीं दबाना, मरेंगे सारे लोग। देखो सारे लोग तो नहीं, हम तो शेड के नीचे है, वो ही मरा। और वो हो चुका है एलिमिनेटेड। और देखते हैं अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे जो है आलोक भाई और यहाँ पे हमारे एयरड्रॉप भाई। और उन्होंने बटन दबाया और ये क्या लावा। कोई बात नहीं, वो दोनों भी आई थिंक एलिमिनेट हो जाएगी। और यहाँ पे उसके अंदर आके लावा, शेट। यहाँ पे हमें जल्दी से जो है पीछे को हो जाना पड़ेगा। अगर मैंने इसको एक मुक्का मारा ना, ये सीधा लावा में जाके गिरेगा। लेकिन मैं नहीं मारूंगा, वरना बाद में अगर किसी और ने मेरे को मार दिया ना तो हो जाएगी भाई गड़बड़। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही छुपा रहता हूँ। और ये वाला मेरा जो अंदर घुसा हुआ बंदा, ये जल रहा है और चल के मर भी गया ही है। और इसका पोक चॉप जो है वो हमें मिल गया। और देखते हैं अब यार यहाँ पे क्या करना है हमें। आई थिंक अभी फेंटन भाई आके इसको रिपेयर कर देंगे ना। और ओके, ऊपर से किसी ने छेद तो किया है। एंड ओके, आ गए यहाँ पे हमारे फेंटन भाई और उन्होंने ये वाली जगह को जो है ब्लॉक कर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ठीक है, और आई थिंक ओके है। ये क्या, ये एक मनाया है यहाँ से। और यहाँ से ओके, एनविल आ गया, ये एनविल। ओके, तो यहाँ पे वाला पोक चॉप को रीनेम करके देखता हूँ। यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ ओपी। और अरे ओपी की फैंस की टांग, ये क्या भैया मैं। ओह, यहाँ पे लावा। कोई बात नहीं गाइस, हम सारे जो है क्वालिफाई हो गए लावा वाले, बिकॉज वो फेंटन भाई की गलती थी, वो नहीं तोड़ दिया। सो जो भी अभी यहाँ पे हुए हैं क्वालिफाई, वो आ गए हैं हमारे लास्ट राउंड में, जो कि है चूज वन डोर। तो यहाँ पे राइट इज ऑलवेज राइट, तो यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ राइट डोर में। और ओके, बंद हो गया, वापस नहीं जा सकते हैं। वाइज और लावा, यही तो मेरे को मिस्टेक लग रहा है शुरू से, लेकिन आगे क्या। और ओके, बचाने वाले, लेकिन यहाँ पे पाउडर स्नो है। ओके गाइस, और यहाँ पे हम तोड़ भी नहीं सकते इसे, बिकॉज हम जो है अभी एडवेंचर मोड में है। ओके, और अंदर में जो ये क्या हो रहा है अंदर। ओह, यहाँ पे तो सारे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं यार अंदर। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे रहता हूँ। और ये रहे हमारे एड्रॉक भाई, तेज जाते हैं। इसको देखो जरा, एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल खा रहा है, इसकी तो अलग ही मौज है। ये भी ठीक है। और यार यहाँ पर कोई चेस्ट तो एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ यार मैं, तो लगा तो ये था, लेकिन क्या कर सकते यार, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे इसके तो भाई क्या करे, पाउडर स्नो के नीचे भी जाके दे दिया मैंने, वहाँ पर कुछ नहीं है। और अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। और ये क्या, ओके ये तो एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल वाला बंदा है, ये खा के अंदर है एक्सेस। मैं एक्सेस नहीं कर पाया था। ठीक है, तो यहाँ पर डीसी कर दिया गया है, बिकॉज उनकी मिस्टेक थी, उन्होंने गलत जगह रख दिया है चेस्ट को। तो यहाँ पे अभी आ गया है एक पार्कोर, उसके आगे उसके अंदर जो है ना चेस्ट के अंदर लेदर के बूट से, जिससे हम लोगों ने जो है ना पाउडर स्नो को पार कर लिया। सो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, और देखते हैं पार्कोर कोई नहीं कर पाया यार, इसलिए फेंटन भाई ने हमारे सैंड ही लगा दी, क्योंकि
पार्कोर तो कोई कर ही नहीं पाया और यहाँ से मैं आ गया हूँ नीचे। देखते हैं यहाँ पे आगे क्या करना है हमें यहाँ से ऊपर जाने के लिए। लेट्स सी गाइस। और ओके यहाँ पे जो भी सैंड थे उन सब ने कलेक्ट करके एयरड्रॉप भाई को दे दिया। और ये इससे छुड़ा ली मेरी सैंड, मारो इसे मारो, मैं भी एक मारूंगा। दे दी दे दी और फिर उठा दी इसने कि मारो इसे मारो। ओके फंदी फंदी। और अभी हमारा प्लान ये है कि हम सैंड से चढ़ के ऊपर जाएंगे। तो पहले एयरड्रॉप भाई हमारा जाएंगे और अभी नीचे से हमें सैंड तोड़ लेनी है और हमें खुद ऊपर चले जाना है। सो देवी गो, सारी सैंड मैंने कलेक्ट कर दी देवी गो। और जल्दी चलो जल्दी जल्दी जल्दी, 3 सैंड काफ़ी है। एक मैं अपने साथ लेके यहाँ से नीचे कूदने वाला हूँ। ओके यार मोटर लग रहा है और ओके ही बज गया मैं, बिकॉज ऐसी जब मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और ओके यहाँ पे सारे लोग आ चुके हैं और अब देखते हैं हम लोग ही, हम जो है ना आई थिंक 3 लोग ही यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। और अब ये स्क्विड गेम जैसा है कि एक जो है फेक है और एक जो है यहाँ पे असली में है जो गिरेगा नहीं है। और ये रखो ये ट्रैप डोर खोल के देख लो सीधा ही, लेकिन ये बंदा जो है ना ये ब्लॉक्स फेंक के देख रहे हैं, ठीक है। और उस पर गया और गिर गया, देयर वी गो गाइस। और अब बस मैं और ड्रॉप हुए तो ओह माय गॉश, अगर मैं यहाँ पे जीत गया तो मजा आ जाएगा। और ओके देखते हैं उन्होंने देख लिया, ट्रैप डोर से देख लिया उन्होंने, ठीक है। अब मैं भी यहाँ पे चलता हूँ फटाफट से और यहाँ पर मैं कोई जंप मिस नहीं करना चाहता हूँ। और ओके उस पर ये वाला तो कम्प्लीटली लाए थे, लक पे था उनके। और देखते हैं अब फाइनल में इनको डर लग रहे हैं क्या करें। ओके देखते हैं क्या करते हैं, किस पर जाते हैं। आई थिंक राइट वाले पर जाना चाहिए ने। और ओके राइट वाला गलत ही था लेकिन ओके, लेकिन उन्होंने डबल जंप मार ली, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट दिमाग लगाया है उन्होंने, सीधा डबल जंप मार ली। वाह और यहाँ पे ये पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो है खाना भी है और बस मैं और एयरड्रॉप वही बचे हैं। देयर वी गो गाइस, आई थिंक अब मैं जीत सकता हूँ या एयरड्रॉप भाई जीतते के, देखते कौन जीतता है। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा ढूंढा बहुत ज़्यादा और यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं हमें, आगे पीछे कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिला हमें भाई लिटरली। सो अब हमें देखते यार क्या करना है, यहाँ पे ट्री कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन उसके बाद हमारे प्यारे से एयरड्रॉप भाई ने सोचा कि अगर यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला तो हम लोगों को शायद से लावा में कूदना है, अगर लावा के नीचे कुछ होएगा। सो ये करने जा रहा है और ये देख सकते हो आप गाइस यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं कर सकते हम। सो देयर वी गो। और अब ये जो है जाओ 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 कूदने वाले लावा में। और क्या हुआ क्या हुआ, ये तो मर गए। ओके एक सही फैंटन भाई बोल रहे ओके ये क्या था, मैं जीत गया। ओके फैंटन भाई बोल रहे कि यही थी गेम, जो यहाँ पे लास्ट तक सर्वाइव कर गया वो मतलब जो ऊपर रहेगा और जो नहीं गिरेगा वो जीत जाएगा, यानी कि लावा में जो कूदेगा वो हारेगा। और यही यहाँ पे ट्रिक थी। देयर वी गो गाइस, मैं जीत चुका हूँ ये वाला इवेंट, देयर वी गो। और बाय द वे गाइस यहाँ पे बस मेरी जो है एक ही इवेंट में मैं नहीं आया हूँ फैंटन भाई के, आगे फ्यूचर में भी और इवेंट्स में आऊँगा और जो है पास्ट में भी काफ़ी सारे इवेंट्स में आ चुका हूँ, आपको पता नहीं होएगा बिकॉज मैंने उनकी वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं की है। सो आप लोग जा सकते हो, मैं उनके लिटरली अभी जो नए नए इवेंट्स आए हैं उन सभी में हूँ, नेचुरल डिजास्टर और सब में हूँ मैं, आई मीन मोस्ट ऑफ देम में हूँ। एक टिकटॉक हैक्स वाला था जिसमें मशीन्स करके था फैंटन भाई का टाइटल, और एक बिल्ड बैटल में भी मैं जीता था जो कि मतलब एक उन्होंने क्या कहते हैं उनकी वीडियो जो है ना वो उनकी वीडियो की रेंडरिंग में जिन कोई प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए वो अपलोड नहीं हो पाई। लेकिन आपकी स्क्रीन पे ये देखिए एक हमारा जो है स्क्रीनशॉट उन्होंने मैं डाल देता हूँ जो उन्होंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था, और ये वाली भी मैंने ही बनाई है जो बिल्ट है मैकडोनल्ड्स वाली। और अब आप लोगों को प्रूफ चाहिए होएगा, सो ये है आपका प्रूफ देख लो। और देख लिया गाइस आपने, मेरे पास इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है।
गाइस आज की इस वाली वीडियो में तो बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।